बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल साइंस उस्ताद पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, यानी मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ब्लड प्लाज्मा के हवाले से कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस और ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको ब्लड डिसऑर्डर्स के हवाले से कि खून की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, यानी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो खून की बीमारियाँ कहलाती हैं। तो इंसान में खून की कई बीमारियाँ होती हैं जिनमें खून रिसने यानी ब्लीडिंग की बीमारियाँ, ल्यूकीमिया जिसे हम ब्लड कैंसर का नाम देते हैं, और इसके अलावा थैलेसीमिया भी शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के हवाले से कि ये क्या होता है। तो ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर जो है, इससे मुराद नाबालिग और एबनॉर्मल वाइट सेल्स की बड़ी तादाद का बन जाना है। यानी ल्यूकीमिया के अंदर नाबालिग और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बड़ी तादाद में बन जाते हैं। इसकी वजह बोन मैरो या लिम्फ टिश्यूज़ के सेल्स में कैंसर वाली म्यूटेशन हो जाती है, यानी जीन्स में तब्दीली हो जाती है। इस म्यूटेशन की वजह से ल्यूकोसाइट्स का बनना बेकाबू हो जाता है और नाकिस ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, यानी इसमें ल्यूकोसाइट्स जो हैं बड़ी तादाद में बन रहे होते हैं और जो बन रहे होते हैं वो भी नाकिस होते हैं। अगर हम ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर को देखें तो ये एक ख़तरनाक बीमारी होती है और इस बीमारी में मरीज़ को बाकायदगी के साथ अपना खून निकलवा कर किसी डोनर का अत्या किया हुआ नॉर्मल खून लेना पड़ता है। यानी इस बीमारी में मरीज़ को किसी भी डोनर का अत्या किया हुआ नॉर्मल हेल्दी ब्लड लेना होता है। इस बीमारी का इलाज बोन मैरो की मुंतकिली यानी ट्रांसप्लांट करके किया जा सकता है। ये एक मुअस्सर इलाज है मगर बहुत महंगा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बोन मैरो की मुंतकिली यानी ट्रांसप्लांट का जो इलाज है ये एक फ़ायदेमंद इलाज साबित होता है मरीज़ के लिए, ये एक मुअस्सर इलाज साबित होता है, मगर ये बहुत ही महंगा इलाज है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको ब्लड डिसऑर्डर्स के हवाले से बताया कि खून में कौन सी बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें जो दो अहम डिजीज़ हैं वो है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर और दूसरी थैलेसीमिया कहलाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के हवाले से बताया, तो इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो में मैं आपको थैलेसीमिया के हवाले से कंप्लीट डिटेल दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।